नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जो आने वाली पेट की है या लेखपाल की है या यूपी पुलिस की है, वो तैयारी आपकी बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं आपकी तैयारी में सहयोग करने के लिए प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पर कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो पढ़ने में काफी डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन ये प्रश्न ऐसे हैं नहीं। एक बार जब इनका कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को एक लाइन में, वन लाइनर आंसर आप दे देंगे, एक लाइन में उसका आंसर आ जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कुछ सेकेंड ही लगेंगे। वीडियो के इस पार्ट में, जो पार्ट 11 है, मैंने कुल 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 क्वेश्चन में तीन वेराइटी के क्वेश्चन है, तीन टाइप के क्वेश्चन है। इन तीन टाइप के क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन के लगभग तीन या चार एग्जाम्पल्स मैं लिया हूं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं से कोई डाउट न रह जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लीजिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। यदि किसी बिजली के बिल में 31% की कटौती की जाती है तो 1794 का भुगतान होना बाकी रह जाता है, बिल की वास्तविक राशि क्या थी? अब जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपया देना है और आपने 40 रुपया दे दिया, तो कितना रुपया शेष बच गया? 60 रुपया शेष बच गया। ये 40 रुपया जो है यही डिस्काउंट है और जो बचा हुआ पोर्शन है वही शेष राशि। तब आप सोचिए कि मान लीजिए आपको कुल 100 रुपया बिल का भुगतान करना था और इसमें से 31% की कटौती हो गई, 31% की कटौती हो गई, तो आपने कितना भुगतान कर दिया? ये जो कटौती हुई 31% की, ये कितनी होती है भाई? 31/100, ये आपकी कटौती हुई इस परसेंटेज में, यानी आपको कितना लेना है? इतना ये कटौती हो गई 31 रुपया 100 में से, तो कितना बच गया? 69 रुपीज आपके लिए बच गया, यही आपको देना है और इतना तो घट गया। तो ये जो 69 रुपीज आपको देना, देखिए 100 रुपया आपको बिल देना था, उसमें से 31% की कटौती होगी, यानी 31 रुपया कम हो गया। हम ऐसे लिख लेते हैं, 31 रुपया कम हो गया। तो 31 रुपया जब कम हो गया तो आपको कितना देना है? 59% या 69 रुपया आपको सिर्फ देना है, और ये दिया है 69 रुपया 1794 के बराबर है, क्योंकि यही बिल भुगतान होने शेष है। तो बाकी क्या रह गया? ये रह गया, कितना आपने दे दिया? ये दे दिया। तो 69 इक्वलेंट है 1794 का। अब ये देखिए, ये तीन से आप से काट सकते हैं, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, और यहां पर देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27 और 3 × 8 = 24। अब ये इसको जो है हम लोग ये तीन से काट दिए। अब देखिए ये 6 बार में ये कट जाएगा, तो ये 23 से 26 बार में ये कट गया, यहां से हो गया 1 इक्विवेलेंट है 26 के। और आपको कितना निकालना है? आपका मूल बिल क्या था? 100 था, तो 100 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 100 2600 रुपया के इक्विवेलेंट हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 2600 रुपया, यानी वास्तविक धनराशि 2600 थी, उसमें से छूट उसको निकाल दिया गया तो इतनी धनराशि शेष बची थी। और यही इस क्वेश्चन में हम लोग किए हैं। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से आप समझ सकते हो। देखिए ये 31% का मतलब है 31/500, ये जो 100 है यही वास्तविक बिल है, और ये जो 31 है यही छूट है। तो आपने ये 100 है और 31 रुपया आपको छूट मिला, तो 100 रुपया में से 31 रुपया छूट मिला, तो 69 रुपया बच गया। ये बिल आपको शेष अभी देना है और इसी के बराबर हम लोग यहाँ पर किए हैं कि 69 इक्विवेलेंट है 1794। एक और क्वेश्चन इस पर करके हम लोग बिल्कुल कंफर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सहज हो जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने है कि यदि किसी बिजली के बिल में 25% की छूट दी जाती है तो अभी भी 1788 का भुगतान होना बाकी रह जाता है। प्रारंभ में बिल कितना था? तो मैंने आपको कहा कि 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4। ये जो 4 है वही वास्तविक बिल है। ये वास्तविक बिल है और 1 रुपये की छूट मिली है। 4 रुपये पूरी बिल देनी थी, 1 रुपये की छूट मिल गई, तो कितना शेष बचा है? तो शेष 4 में से 1 निकलने पर 3 बचा है और यही जो शेष है क्वेश्चन में 1788 के बराबर है, यानी 3 इक्वलेंट है 1788 के। तो 1 कितने का इक्वलेंट होगा? देखिए 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 18, 1596 के बराबर हो गया। तो आपको कितना बिल निकालना है? 4 का निकालना है। तो 4 कितने के इक्विवेलेंट होगा? तो 4 × 596 और 4 से आप गुणा कर दीजिए, 4 × 6 = 24 के 4, 2, 4 × 9 = 36, 2 × 38, 3, 4 × 5 = 20, 3 = 23। तो 2384 रुपया वास्तविक बिल था जिसमें से छूट देने के बाद 1788 रुपया शेष बचा था। और अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि आपने देखा कि इस चीज को 100 मानकर भी किए थे और परसेंटेज को ऐसे बदल करके भी, भिन्न में बदल कर भी इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि 800 कीमत वाली एक टी शर्ट के खरीद पर 2 टी शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक टी शर्ट पर प्रभावी छूट क्या है, डिस्काउंट क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में क्या जा रहा है कि एक शर्ट का दाम यानी MRP यानी मैक्सिमम ये मार्क्ड प्राइस जो है 800 रुपया है और जब आप एक शर्ट खरीदेंगे तो 2 शर्ट आपको मुफ्त मिलेगी, यानी आपको कुल कितनी शर्ट मिलेगी? आपको कुल 3 शर्ट मिलेगी, आपको कुल 3 शर्ट मिलेगी और आप एक शर्ट का सिर्फ दाम देंगे। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है कि जो MRP है, जो मार्क प्राइस है, एक शर्ट के दाम में ही छूट देने के बाद 3 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 3 शर्टों का दाम जो आपको मिलेगा छूट के बाद, वह दाम एक शर्ट के MRP में ही इंक्लूड है यानी शामिल है। तो हम लोग बहुत सहज ढंग से ये कह सकते हैं कि एक शर्ट का मार्क्ड प्राइस बराबर है 3 शर्ट के सेलिंग प्राइस के, यानी एक जो मार्क्ड प्राइस निर्धारित की गई है उसका दाम इतना रखा गया है कि एक शर्ट ही आप खरीदेंगे तो उसमें छूट देने के बाद जो 3 शर्ट का दाम आएगा वो इंक्लूड है। आपको यही बात समझनी है कि एक शर्ट का दाम देंगे और 3 शर्ट आप 2 शर्ट फ्री पाएंगे, यानी कुल 3 शर्ट पाएंगे। तो दुकानदार के पास से कुल 3 शर्ट जाएगा, यानी एक शर्ट के दाम में 3 शर्ट खरीदेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक शर्ट का ही जो दाम रखा है वो 3 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसको हम लोग एक ऐसे लिख लेंगे कि एक शर्ट का MRP या मार्क प्राइस 3 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो अब हमको सेलिंग प्राइस बटा मार्क प्राइस लिख लेना है ताकि हम समझ सकें। ये आ गया 1/3। अब यही आपको समझ SP/MP ये हो गया 1/3। ये जो 3 है ये मार्क्ड प्राइस, ये यहां पर देखिए ना इसके सामने, और ये जो है सेलिंग प्राइस है। तो छूट यहां पर कितनी होगी? 3 रुपया के सामान 1 रुपया में बेचा जा रहा है तो छूट कितनी मिल गई? 2 रुपये की। भाई 3 रुपया का सामान
उस पर लिखा है 3 रुपया और आपको 1 रुपया में मिल रहा है, तो छूट कितने की मिल रही है? 2 रुपये। अब इसी को परसेंटेज में निकाल लेना है। परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा? देखिए 3 रुपया पर 2 रुपया की छूट है, 3 रुपया एमआरपी पर 2 रुपया छूट है, 2 रुपये का डिस्काउंट है, तो 100 रुपया एमआरपी रहता तो कितना डिस्काउंट होता? यही तो परसेंटेज में आएगा। देखिए ये 200/3 हो जाएगा और इसी को हम लोग लिखेंगे 66.67%। तो ये सबसे आसान तरीका है इसे सॉल्व करने का। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, वो देख लीजिए कैसे होगा। मैं देखिए इस क्वेश्चन में है भाई 800 रुपये कीमत वाली एक टी शर्ट की खरीद पर 2 शर्ट मुफ्त की दी की जाती है। ये जो 2 शर्ट मुफ्त में दी जा रही है यही तो छूट मिल रहा है, यही तो आपको फ्री में मिल रहा है। तो 3 शर्ट का दाम कितना हो जाएगा? 3×800 यानी 2400। तो जो एमआरपी है उसके हिसाब से 3 शर्ट का दाम 2400 रुपया हो गया और 2 शर्ट आपको फ्री में मिला। इसका दाम कितना हो गया? 2×800 ये आ गया 1600। देखिए 2400 रुपया 3 शर्ट का दाम आ रहा है और उसमें 1600 रुपये फ्री दिया जा रहा है। 2400 में 1600 रुपये का फ्री सामान आपको दिया जा रहा है, तो यही तो आपको देखना है। तो यही डिस्काउंट है, 2400 रुपये के सामान पर 1600 रुपया का छूट दिया जा रहा है। तो 100 रुपये की बात आती है, देखिए ये काट देंगे, 8×2=16 और 8×3=24, ये 200/3 फिर भी आ गया और ये आ गया 66.67। तो 2 शर्ट फ्री में देने का मतलब 1600 रुपये का सामान फ्री में दिया गया, गिफ्ट में दिया गया। तो 2400 में 1600 का सामान गिफ्ट में दिया जा रहा है, तो 100 रुपया लगाते तो कितना? तो परसेंटेज में यही वैल्यू आ जाती है। और पहला वाला जो मैं मेथड बताया था उसमें इस कीमत की कोई मतलब ही नहीं है, इसका यूज ही नहीं होना है। तो जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा, लेकिन मैं पहले वाले मेथड को ही प्रिफर करता हूँ। आइए एक और क्वेश्चन देख करके और अपने को एकदम कम्फर्ट और क्लियर कट कंसेप्ट कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि प्रत्येक 500 रुपया कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर 1 शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या है? अब आप देखिए 3 शर्ट खरीदेंगे तो 1 शर्ट मुफ्त मिलेगी, इसका मतलब आपको कुल 4 शर्ट मिलेगा और आप एमआरपी कितने के है तो 3 शर्ट के एमआरपी मार्केट प्राइस इतनी रखी गई है कि 4 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी 4 शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है जो आएगा उतना 3 शर्ट के एमआरपी के बराबर ही हो जा रहा है, क्योंकि आप 3 शर्ट खरीदेंगे 3 का ही दाम देंगे तो एमआरपी के हिसाब से 3 शर्ट का दाम देंगे और सेलिंग प्राइस यानी आप 4 शर्ट ले जाएंगे तो इतनी सेलिंग प्राइस आ रही होगी छूट देने के बाद कि 4 शर्ट का दाम जो है वो इसमें इंक्लूड हो गया 3 शर्ट के एमआरपी में ही। अब यहीं से इसको आप क्या लिखते हैं? SP/MP। तो SP/MP यानी 3/4। अब देखिए 4 रुपये का सामान है, 4 रुपया एमआरपी उस पर रखी गई है मूल्य और 3 रुपया सेलिंग प्राइस, 4 रुपये के सामान को 3 रुपया में बेचा जा रहा है तो यहां पर छूट कितनी मिल रही है? 1 रुपये की। 4 रुपये के सामान को 3 रुपये में बेचा जा रहा है तो छूट कितने की मिल रही है? 1 रुपये की। यही परसेंटेज छूट आपको देख लेना है भाई, 1 रुपये की छूट मिल रही है 4 रुपये के सामान पर, तो 100 रुपये का सामान रहता तो कितनी छूट मिलती? 100 रुपये पर 25 रुपये की छूट मिलती, यानी 25% हो गया और यही आपको निकालना है। तो इसका आंसर हो गया 25%। देखिए ये एक लाइन का क्वेश्चन है, आप इसे एक लाइन में कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन में पूरी गणित बस इतनी है कि 3 शर्ट का एमआरपी 4 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर, बस यही गणित है। अब बाकी को तो ये हम लोग कैलकुलेशन किए, जो इसका कंसेप्ट है वो ये है।
और इस पर क्वेश्चन करके बिल्कुल अपने को कंफर्ट कर लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में है कि यदि प्रत्येक 600 रुपये कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर 2 शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक शर्ट पर आपको क्या करना है। देखिए ये जो खरीद है, जितने खरीदते हैं और जो मुफ्त मिलता है, इन दोनों को जोड़कर सेलिंग प्राइस की तरफ रखिए, इन दोनों को जोड़कर सेलिंग प्राइस की तरफ रखिए और मार्केट प्राइस जितने खरीद रहे हैं, तो 3 शर्ट आप खरीद रहे हैं तो 3 शर्ट की एमआरपी यानी मार्केट प्राइस 3×2 5 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस ये हो जाएगा 3/5। अब यहां पर देखिए ये 5 मार्केट प्राइस है, ये 3 सेलिंग प्राइस है, तो यहां से छूट कितने की हो जाएगी, 2 रुपए की छूट हो गई और इसी को तो डिस्काउंट निकाल लेना है परसेंटेज में। तो ये 2 रुपए की छूट मिलती है 5 रुपए के सामान पर, तो 100 रुपए का सामान रहता तो कितने की छूट मिलती, 40% की छूट मिलती। तो इसका आंसर कितना हो गया, 40% आ गया। इसको छूट कितनी मिलती, 40% की। बस आपको यही समझना है कि जो मुफ्त है और जो खरीद रहे हैं दोनों को जोड़कर सेलिंग प्राइस की तरफ लिख दीजिए, और जो खरीद रहे हैं जिसका दाम दे रहे हैं वो मार्केट प्राइस के साथ लिखिए। फिर ये एक बना लीजिए कि आपको कितने रुपए का सामान कितने रुपए में दिया जा रहा है, तो यहाँ से छूट पता चल जा रहा है। फिर आप उस छूट को डिस्काउंट के हिसाब से निकाल लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का, यदि प्रत्येक 1200 कीमत वाली 6 दुपट्टों की खरीद पर 3 दुपट्टे मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो देखिए 6 दुपट्टा खरीद रहे हैं तो इसको तो एमआरपी की तरफ लिखना है, मार्केट प्राइस की तरफ, और 6 और 3 ये मुफ्त है और ये 6 यानी 9 जो है सेलिंग प्राइस की तरफ लिखना है। अब यहीं से आप इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए काट करके, तो देखिए 3×2 6 और 3×3 9, तो 2 मार्केट प्राइस बराबर 3 सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस ये हो गया 2/3। 3 रुपए का सामान 2 रुपए में बिक रहा है, तो यहां से छूट कितनी मिल रही है, इनका अंतर ही छूट है, तो 1 रुपए की छूट मिल रही है, तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 1 रुपए की छूट मिल रही है 3 रुपए के सामान पर, तो 100 रुपए के सामान पर कितनी छूट मिलती, ये देखिए 33% आ गया, 100 में 3 का भाग देंगे तो 33.33% आएगा, तो इसका आंसर हो गया 33.33%। आइए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस 10 क्वेश्चन में मैं 3 टाइप के क्वेश्चन लिया हूं और तीनों बेजोड़ हैं, और इनका एक बार आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही सरल रहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत छूट 10%, 20% और 30% के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। बट्टा और छूट दोनों एक ही शब्द है, कहीं कहीं इसे बट्टा भी कहा जा रहा है और इसी को छूट भी कहते हैं और इसी छूट को अंग्रेजी में डिस्काउंट भी कहते हैं। तो किसी सामान पर 10% 20% और 30% का अगर छूट दी जा रही है, तो अगर हम एक साथ इस छूट को देखना चाहें तो एक साथ यानी इक्विवेलेंट बट्टा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। इसके लिए देख बड़ा आसान सा एक तरीका है कि ये जो 10% है इसको हम लोग 1/10 लिखेंगे। इस 1/10 में ये मार्केट प्राइस है और ये जो है छूट है यानी ये डिस्काउंट है, यही आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से 20% में 1/5 लिखेंगे, ये 5 मार्केट प्राइस है और 1 यहाँ पर छूट है, 1 छूट है। और इसी तरह से 30% के लिए लिखेंगे तो ये 30/100 या 3/10, 10 में ये मार्केट प्राइस है और 3 रुपया इसमें छूट है। अब यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं साधारण सा, यहाँ पर मार्केट प्राइस लिख लेते हैं और इधर सेलिंग प्राइस लिखते हैं। देखिए मार्केट प्राइस क्या है, 10 रुपया है, सेलिंग प्राइस क्या है, 1 रुपया की छूट के बाद ये सामान 9 रुपये का हो गया है। 20% वाले में मार्केट प्राइस 5 रुपया है और 1 रुपया की छूट के बाद ये सामान 4 रुपये का हो गया। 30% वाले में क्या है, सामान का दाम 10 रुपया है और 3 रुपया छूट के बाद इसका दाम 7 रुपया हो गया। इन तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे और इसको गुणा कर लेंगे, देखिए 10 दाम है 100, 5 500,
ये 500 रुपया एमआरपी हुई, और इसको गुणा कर लेंगे न चौके 36, 36 में 7 का गुणा कर लेंगे 7 6 42, और 7 3 21 और 4 25, ये 252 आ गया। देखिए 500 रुपये का सामान है, 252 रुपया सेलिंग प्राइस है, तो इसमें छूट कितनी रही होगी? तो देखिए 500 में से 252 आप माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 248 रुपये की छूट मिली है। और यही पूछ रहा है कि ये छूट परसेंटेज में कितना होगा, तो देखिए परसेंटेज में ये छूट कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में इस छूट को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 500 रुपये पर कितने की छूट मिली है, 248 रुपये की 500 रुपये पर, तो 100 रुपये पर कितनी छूट मिलती, ये 2 जीरो से काट दिए। अब 5 से 248 काटेंगे, देखिए 5 चौके 20 और 5 9 45 और 5 6 30, तो 49.6% जो है इक्वलेंट छूट आ जाएगी, तो इसका आंसर हो गया 49.6%। देखिए ये चीज मैं आपको समझाने के लिए किया हूं, अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखेंगे और ये वाले स्टेप से इसको तुरंत पा लेंगे। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं रह गया हो, तो इस पर और भी हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आप बिल्कुल कंफर्ट हो जाएं। देखिए ये भी एक उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 10% 20% और 25% की क्रमागत छूट की समतुल्य छूट क्या होगी, तो फिर वही देखिए 10% की छूट का मतलब 1/10, तो यह मार्क प्राइस यहाँ सेलिंग प्राइस है, तो मार्क प्राइस 10 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 9 रुपया, क्योंकि 1 रुपये की इसमें छूट मिली है, ये छूट है, ये डिस्काउंट है। 20% को क्या 1/5 लिखते हैं, तो 5 रुपया मार्क प्राइस, 1 रुपया छूट, तो सामान 4 रुपये का। 25% का 1/4 होगा, यानी 4 रुपया मार्क प्राइस, 1 रुपया छूट, सामान 3 रुपये का। अब इन तीनों को गुणा कर लेंगे, देखिए 5 चौके 20 दाम में 200, ये 200 आ गया, और ये 4 3 12 9 18 से 108 आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही छूट है, तो 200 में से 200 माइनस 108 निकाल देंगे, देखिए 10 में से 8 गया 2 बचेगा और यहाँ पर 9 बचा, तो 92 में अगर 108 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, तो छूट कितने की मिली, यही छूट है, छूट 92 रुपये की मिली। तो अब इसी छूट को परसेंटेज में देख लेना है, देखिए 200 रुपये में 92 रुपये की छूट मिलती है, तो 100 रुपये में कितनी मिलेगी, देखिए इसको काट देंगे, अब 2 से 2 चौके 8 और 2 6 12 कितनी की छूट मिल जाएगी, 46% की इक्वलेंट छूट मिल जाएगी। तो आई होप कि अब आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। पहले वो 25% का, फिर बाद में 15% का छूट देती है, पहले वो 30% का, बाद में 10% का छूट देती है, पहले वो 35% बाद में 5% का छूट देती है। अब पूछ रहा है कि किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, और आप देखेंगे सामान्य तौर पर जोड़ करके तो ये 40% आएगा, अगर सीधे सीधे आप जोड़ते हैं तो यहाँ भी 40%, यहाँ भी 40% और यहाँ भी 40%, ऐसे आप जोड़ेंगे तो सीधा सीधा आपको ये मिलेगा। लेकिन इक्वलेंट छूट कितनी होती है, तो इक्वलेंट छूट के लिए या नेट डिस्काउंट के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, आप याद कीजिए, m प्लस n माइनस m इंटू n अपॉन 100। m और n जो है ये क्रमागत डिस्काउंट है, तो अब इसी फार्मूले के यूज करके हम लोग प्रत्येक स्थिति के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो पहले स्थिति के लिए देखिए नेट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 25 और 15 40 हो गया, माइनस 25 गुणे 15 बटा में 100, तो 25 चौके 100, और देखिए ये हो जाएगा, इसको अगर आप 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 7 28 और 4 5 20, तो यहां से नेट हो जाएगा 40 में से 3.75 निकल जाएगा, तो 40 में से 3 निकल गया तो 37 बचा, यानी 36.25% इक्विवेलेंट छूट पहले वाले कंडीशन में आ रही है।
दूसरे वाले कंडीशन में कितनी छूट आएगी। देखिए 30 धन 40, ये तो 40 हो ही जाएगा, असली आपको इधर देखना है 40 में से घटेगा कितना, तो 30 गुणे 10 बटा में 100, 10 दाह में 100, 10 दिया 30, तो यहाँ आ गया देखिए 37% छूट। इक्विवेलेंट छूट कितनी आ गई, 37। तीसरी वाली स्थिति में देखिए, तीसरे वाली स्थिति में 35 5 40 तो यहाँ हो ही गया, असली यहाँ देखना है 35 - 5/100, क्योंकि 5 20 100 और 5 6 20 और 5 7 35, तो इस 7 में 4 का भाग देंगे तो ये आपको आएगा 1.75। तो 40 में से 1.75 निकालेंगे तो ये 39 यानी 38.25 आया। तो आप खुद देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा छूट किस में आपको मिल रही है, तो सबसे ज्यादा छूट ये है, क्योंकि ये 38.25 है और ये है 37% यहाँ पर 36.25, तो दोनों का सीधे सीधे योग तो 40% आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा छूट आपको किस में मिल रही है, तीसरे वाली स्थिति में। तो तीसरे वाली स्थिति में सबसे ज्यादा छूट मिल रही है, तो आपका कौन सा प्रस्ताव अच्छा है आपके लिए, तीसरा वाला प्रस्ताव अच्छा है, यानी 35% और 5% का। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए इतना कैलकुलेशन न करना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि ये दोनों का जो गैप है, इन दोनों का गैप जिसमें ज्यादा रहेगा वो छूट आपको लेनी अच्छी रहेगी। अब यहां पर देखिए 25 और 15 का गैप, 15 10 25, यहां पर पहले स्थिति में 10 का गैप है, दूसरी स्थिति में 20 का गैप है और तीसरी स्थिति में 25 का गैप है, तो जिसमें गैप ज्यादा रहेगा वो वाला कंडीशन आपके लिए बेहतर होगी, उसमें ज्यादा छूट आपको मिलेगा। तो बिना सॉल्व किए भी आप इस चीज का इस्तेमाल करके इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। आइए इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में भी वही है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक बट्टा किसी ग्राहक के लिए उचित रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए बिना लगाए कैसे कर सकते हैं, 20 15 और 10, तो जो सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच यहाँ गैप कितने का है, 10% का है, और यहाँ पर देखिए सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का गैप कितने का है, 17% का। तो जिसमें गैप ज्यादा होगा वही कंडीशन बेहतर है, तो यहाँ पर कौन सा बेहतर होगा, 2 बेहतर होगा, इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। मैंने वेरीफाई करने के लिए आपको बताया कि एक 20% को क्या लिखेंगे, 1/5, तो ये मार्क प्राइस यहाँ सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस मैंने ये 1/5 लिखेंगे, तो 5 मार्क प्राइस से 1 रुपये की आपने छूट दिया तो सामान 4 रुपये की, ये 15% है, 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100, और देखिए 5 3 15 और 20 25 100, तो मार्क प्राइस यहाँ 20 है और 3 रुपये की आपने छूट दे दिया तो 17 रुपया सेलिंग प्राइस, 10 में 1/10 आता है तो 10 रुपया मार्क प्राइस और 1 रुपये की छूट दे दिया तो 9 रुपये पड़ा। अब यहाँ 20 दाम में 200, 2 5 10 यानी ये 1000 आ गया। अब इसका गुणा करिए 17 4 68, 68 में 9 का गुणा करिए, 9 8 72 2 7, 9 6 54, 54 और 7 61, यानी 612 रुपया, इन दोनों का डिफरेंस जो है छूट बताएगा, तो 1000 में से 612 रुपया निकाल दीजिए, तो 10 में से 2 निकल गया 8, 9 में से 1 निकल गया 8 और यहाँ पर 9 में से 6 निकल गया 3, तो 388 हुआ। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हुआ, 388 का डिस्काउंट मिल रहा है 1000 पर, तो 100 पर देखिए 2 जीरो काट देंगे तो ये आ जाएगा 38.8% का डिस्काउंट पहले वाले कंडीशन में। दूसरे वाले कंडीशन में यही बात हम लोग यहां से देख लेंगे, दूसरे वाले में क्या आ रहा है, तो 25 का मतलब 1/4, तो 4 इधर और 3 इधर, 12% का मतलब देखिए, 12% का मतलब ये होगा 12/100, 4 3 12 25 25 4 100, तो ये होगा 25 और इसमें आपने 3 रुपये की छूट दे दिया तो 22 3 25, ये 22 रुपया बचा। और 8 देखिए, 8% को क्या लिख सकते हैं, 8/100,
चार दूनी आठ, 2500। तो यहां पर 25 और 2 रुपया की आपने छूट दे दिया तो बचा 23। तो यहां 2500 और ये हो जाएगा 2500 मार्केट प्राइस। और यहां पर देखिए 22 तिहाई 66 और 66 में 23 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1518। अब देखिए दो तरह की आपको छूट यहां से मिलने वाली है, 1518 आ गया तो यहां पर आ गया 1518। अब ये डिस्काउंट आपको निकालना है, यहां से डिस्काउंट कितना आएगा देखिए, 1518 को इसमें से माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, ये माइनस करने के बाद आपको डिफरेंस मिलेगा 982 रुपया। तो अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो 982 रुपये का डिस्काउंट आपको 2500 पर मिल रहा है तो 100 पर कितना मिलता, तो 982/25 हो गया और ये आपको छूट मिल गया 39.28। तो आप देखिए यहाँ पर पहले वाले स्थिति में 38.8 का परसेंट का छूट मिला, दूसरी वाली स्थिति में 39.28% का छूट मिला। तो कौन सी स्थिति बेहतर रही, दूसरी वाली। तो ये मैंने आपको बताया कि बिना इतना कैलकुलेशन किए भी आप इसको तुरंत बता सकते थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कट हो गए होंगे। यदि आपको ये अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करिएगा ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे और आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।